आजकल डेटिंग बहुत मुश्किल हो गया है। बढ़ता हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ और रैम्पेंट सेक्सिज्म जो वुमेन और नॉन बाइनरी जेंडर्स फेस करते हैं, इन सब के चलते डेवलप कंट्रीज में बर्थ रेट्स काफी डिक्लाइन हो रहे हैं। साउथ कोरिया, जिसका फर्टिलिटी रेट सबसे लो है, वहाँ इस साल 150 से ज्यादा स्कूल्स में फर्स्ट ग्रेडर एनरोल नहीं हुआ डिस्पाइट गवर्नमेंट के काफी एफर्ट्स के बाद। जापान में इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इनोवेटिव अप्रोच अपनाया है। जापानीज गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लॉन्च किया है जिसका नाम टोक्यो फुतारी स्टोरी है। यह इनिशिएटिव रोमांटिक रिलेशनशिप फोस्टर करने और कंट्री के बर्थ रेट को बूस्ट करने का एम रखता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने ग्रेवेस्ट क्राइसिस आवर कंट्री फेसेस कहा है। टोक्यो फुतारी स्टोरी का एसेंस उसके नाम में है, फुतारी का मतलब दो लोग। इस इनिशिएटिव में एक वेबसाइट जो लव एडवाइस ऑफर करती है और एक डेटिंग ऐप जो 2024 के एंड तक लॉन्च होगी। इस ऐप में यूजर्स का अपना मैरिटल स्टेटस और इनकम वेरीफाई करना पड़ेगा, जो सीरियस कमिटमेंट्स टुवर्ड्स मैरिजेस और फैमिली लाइफ को एम्फेसाइज करते हैं। जापान के फर्टिलिटी चैलेंजेस काफी सीवियर हैं। मैरिज रेट 5,04,930 से लेकर 4,74,717 हो गई है 2022 से 2023 तक, और बर्थ्स 7,70,759 से लेकर 7,27,277 तक गिर गई है उसी पीरियड में। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लिमिटेड सोशलाइजिंग कल्चर और हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन मेजर डेट्रेंट्स हैं। टोक्यो फुतारी स्टोरी ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट है जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एक्सपैंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज और रिलैक्स्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज को इंक्लूड करता है, ताकि डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को काउंटरैक्ट किया जा सके। ऑनलाइन डेटिंग यंगर एडल्ट्स के बीच ज्यादा पॉपुलर हो गई है। 2022 स्टडी ने रिवील किया कि 3 में से 1 यूएस एडल्ट ने डेटिंग साइट ऐप यूज किया, जिसमें इसे हाफ से ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। हावे एक्सपीरियंस डेमोग्राफिक्स के बीच डिफर करता है। वुमेन को काफी मैसेजेस मिलने पर ओवरवेल्म फील होता है, जबकि कई मेन को कम मैचेस मिलने पर इनसिक्योर फील होता है। इन चैलेंजेस के बावजूद 2023 के सर्वे में ऑनलाइन डेटिंग मैचेस में नियरली 70% रोमांटिक रिलेशनशिप तक पहुंच गई। जापान के ये इनिशिएटिव अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ये मैरिज और फैमिली लाइफ की तरफ एक ट्रेंड स्पार्क कर सकता है। अगर इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है तो ये दूसरे रीजन्स के लिए भी एक मॉडल प्रोवाइड कर सकता है जो सिमिलर डेमोग्राफिक चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि अवेयरनेस फैल सके।